नमस्कार, मैं प्रीति मिश्रा आपका ओनली न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आखिर क्यों मोदी जी को समुन्द्र में डुबकी लगाकर द्वारका जी के दर्शन करने जाना पड़ा? जी हाँ, गुजरात हाई कोर्ट ने बेट द्वारका के दो द्वीपों पर कब्जा जमाने के सुन्नी वक्फ बोर्ड के सपने को चकनाचूर कर दिया है। इस समय गुजरात का यह विषय बहुत चर्चा में है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ गया, वरना पता ही नहीं चलता कि पलायन कैसे होता है और कैसे कब्जा होता है, लैंड जिहाद क्या होता है। वह समझने के लिए आप बस बेट द्वारका टापू का अध्ययन कर लें तो सब प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश में काम करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर सहायता राशि देकर हमें और हमारे चैनल को सशक्त बनाएं। चलिए अब आपको पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ की लगभग पूरी आबादी हिंदू थी, यानी द्वारका की पूरी आबादी हिंदू थी। यह ओखा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जहाँ जाने का एकमात्र रास्ता पानी से होकर जाता है, इसलिए बेट द्वारका से बाहर जाने के लिए लोग नाव का प्रयोग करते हैं। यहाँ द्वारकाधीश का प्राचीन मंदिर स्थित है। कहते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ रुक्मणी जी ने मूर्ति की स्थापना करी थी। समुद्र से गिरा यह टापू बड़ा शांत रहता था। लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना था। धीरे धीरे यहाँ बाहर से मछली पकड़ने वाले मुस्लिम आने लगे। दयालु हिंदू आबादी ने इन्हें वहां रहकर मछली पकड़ने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे मछली पकड़ने के पूरे कारोबार पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। बाहर से फंडिंग के चलते इन्होंने बाजार में सस्ती मछली बेची, जिससे सब हिंदू मछुआरे बेरोजगार हो गए। अब हिंदू आबादी ने रोजगार के लिए टापू से बाहर जाना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक और चमत्कार और प्रयोग हुआ। बेट द्वारका से ओखा तक जाने के लिए नाव में 8 रुपए का किराया लगता था। अब क्योंकि सब नावों पर मुस्लिम का कब्जा हो गया, तो उन्होंने किराए का नया नियम बनाया। जो हिंदू नाव से ओखा जाएगा वह किराए के 100 रुपए देगा और मुस्लिम वही 8 रुपए देगा। अब कोई दिहाड़ी हिंदू केवल आवाजाही के लिए 200 रुपए देगा तो वह बचाएगा क्या? इसलिए रोजगार के लिए हिंदुओं ने वहां से पलायन शुरू कर दिया। अब वहां केवल 15% हिंदू आबादी रहती है। आपने पलायन का पहला कारण यहाँ पे जान लिया। रोजगार के दो मुख्य साधन, मछली पकड़ने का काम और ट्रांसपोर्ट, दोनों हिंदुओं से छीन लिया गया। जैसे बाकी सब जगह राज मिस्त्री, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री, ड्राइवर, नाई और अन्य हाथ के काम 90% तक हिंदुओं ने उनके हवाले कर दिए। अब बेट द्वारका में तो 5000 साल पुराना मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए हिंदू जाते थे, तो इसमें वहां के जिहादियों ने नया तरीका निकाला। क्योंकि आवाजाही के साधनों पर उनका कब्जा हो चुका था, तो उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं से केवल 20 से 30 मिनट की जल यात्रा के लिए 4 से 5 हजार रुपए मांगने शुरू कर दिए। इतना महंगा किराया आम व्यक्ति कैसे चुका पाएगा, इसलिए लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। अब जब वहां पूर्ण रूप से जिहादियों की पकड़ हो गई, तो उन्होंने जगह जगह मकान बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते प्राचीन मंदिर चारों तरफ से मजारों से घेर दिया गया। वहां की बची खुची हिंदू आबादी सरकार को अपनी बात कहते कहते हार चुकी थी। फिर भी कुछ हिंदू समाज सेवियों ने इसका संज्ञान लिया और सरकार को चेताया। सरकार ने ओखा से बेट द्वारका तक सिग्नेचर ब्रिज बनाने का काम शुरू करवाया। बाकी विषयों की जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसी चौंक गई। गुजरात में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कृष्ण की नगरी द्वारका स्थित बेट द्वारका के दो टापू पर अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड ने अपने आवेदन में दावा किया कि बेट द्वारका टापू पर दो द्वीपों का स्वामित्व वक्फ बोर्ड का है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस पर आश्चर्य जताते हुए पूछा कि कृष्ण नगरी पर आप कैसे दावा कर सकते हैं, और इसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। बेट द्वारका में करीब 8 टापू हैं, जिनमें से 2 पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं। प्राचीन कहानियां बताती हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए मीरा यहीं पर उनको उनकी मूर्ति में समा गई थी। बेट द्वारका के इन 2 टापू पर करीब 7000 परिवार रहते हैं, इनमें से करीब 6000 परिवार मुस्लिम हैं। यह बेट द्वारका के तट पर एक छोटा सा द्वीप है और ओखा से कुछ ही दूरी पर स्थित है।
वफ बोर्ड इसी के आधार पर इन दो टापू पर अपना दावा जताता है। यहाँ अभी इस साजिश का शुरुआती चरण ही है कि इसका खुलासा हो गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस चरण में कुछ लोग ऐसी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण बना रहे थे जो रणनीतिक रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। अब जाकर सब अवैध कब्जे और मजारे तोड़ी जा रही है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अब सी लिंक का उद्घाटन होने वाला है। मुसलमानों के नौका या फिर छोटे पानी के जहाज से यात्रा करवाने का धंधा भी चौपट होने जा रहा है। बेट द्वारका में आने वाला कोई भी मुसलमान वहां का स्थानीय नहीं है, सब बाहर के हैं। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में वहां के हिंदुओं से सब कुछ छीन लिया और भारत के गुजरात जैसे एक राज्य का टापू सीरिया बन गया। सावधान और सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। गुजरात में देवभूमि द्वारका जिला प्रशासन द्वारा बेट द्वारका में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक यह अभियान जारी था। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभियान तब तक चलेगा जब तक कि यह टापू पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। इसके अंतर्गत वहां बनी अवैध मजार, दुकानों और अन्य मजहबी स्थलों को हटाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 50 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाया गया है। इनमें जब सरकारी जमीन पर बनी 10 मजार भी हैं। कुछ मजार के नाम हैं आलम शाह पीर, हजरत दौलत शाह पीर, कमरिद्दुन नशा पी पीर, सिद्धि बाबा मजार, बाला पीर मजार आदि। इन सब के साथ ही सरकारी जमीन पर बने व्यावसायिक स्थानों और घरों को भी तोड़ा गया है। स्थानीय प्रशासन ने 52,078 वर्ग फीट जमीन खाली कराने की योजना बनाई है। पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे के अनुसार इस कार्य के लिए 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के समरसता प्रमुख देवजी भाई रावत ने बताया कि इस द्वीप पर पहले द्वारिकाधीश मंदिर के अलावा कोई मजहबी स्थान नहीं था। बाद में नाव चलाने वाले भी वहां आकर बसने लगे और ये लोग ज्यादातर मुसलमान हैं। इसके साथ ही नशे की तस्करी करने वाले भी वहां बसने लगे। इस अभियान को पूरा करने के लिए बेट द्वारका में कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान केवल प्रशासनिक अधिकारियों और आपातकाल की सेवा में लगे लोगों को ही बेट द्वारका आने जाने दिया गया। द्वारकाधीश मंदिर के न्यासी हेमंत सिंह मनोहर सिंह वाडेरा ने अतिक्रमण युक्त अभियान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बेट द्वारका को अतिक्रमण मुक्त करना उतना ही जरूरी था जितना कि एक मनुष्य के लिए भोजन की जरूरत। अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने के लिए गुजरात सरकार का अभिनंदन है। उन्होंने यह भी कहा कि बेट द्वारका की हिंदू जनसंख्या को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र रचा गया क्योंकि यह स्थान देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस द्वीप पर पाकिस्तानी तस्करों को पहले शरण मिलती रही है लेकिन पहले हिंदुओं की आबादी के अधिक होने के कारण उन्हें दिक्कत होती थी, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के अंतर्गत यहाँ मुसलमानों को अवैध रूप से बसाया गया और आज उनकी आबादी 85% हो गई है। बता दें कि गुजरात में बेट द्वारका ओखा बंदरगाह से लगभग 7 समुद्री मील दूर है। यह स्थान देवभूमि द्वारका जिले में पड़ता है और पाकिस्तान से बिल्कुल नजदीक है। यहाँ से कराची लगभग 57 समुद्री मील यानी करीब 100 किलोमीटर दूर है। गुजराती में बेट का अर्थ है द्वीप यानी द्वारका द्वीप। यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वे यहाँ निवास करते थे। यहाँ विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। कालांतर में इस जगह का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया। अब जो जगह बची है उसका क्षेत्रफल लगभग 13 किलोमीटर है। अभी तक लोग इस द्वीप पर नाव के जरिए ही जाते थे क्योंकि यह द्वीप है और यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे हैं। मछुआरों में भी अधिकतर मुसलमान हैं, यही लोग नाव भी चलाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के समरसता प्रमुख देवजी भाई रावत ने बताया कि इस द्वीप पर पहले द्वारकाधीश मंदिर के अलावा कोई मजहबी स्थान नहीं था। बाद में नाव चलाने वाले भी वहां बसने लगे और ये ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। इसके साथ ही नशे की तस्करी करने वाले भी वहां बसने लगे। इस तरह वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई। अब ये लोग वहां स्थायी रूप से बस गए हैं और मस्जिद और मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर एक अच्छा संदेश दिया गया है। श्री कृष्ण की नगरी वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है? इसके बाद न्यायालय ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। यानी बेट द्वारका में भी वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीन कब्जाने का प्रयास चल रहा है।
लोगों को पूरी उम्मीद है कि वहां अवैध मजारों और मस्जिदों को तोड़ने से वक्फ बोर्ड की मनमानी बंद होगी और हिंदुओं का यह श्रद्धा केंद्र सुरक्षित होगा। अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुरेश भट्ट कहते हैं कि मुसलमानों ने बेट द्वारका के कई स्थानों पर कब्जा कर मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान, दरगाह आदि बना लिए थे। हिंदू काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि द्वीप पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। इसको देखते हुए गुजरात सरकार ने 1 अक्टूबर से बेट द्वारका में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया है। वहीं हिंदू विश्व परिषद और सौराष्ट्र प्रांत के धर्माचार्य संपर्क आयोजक प्रवीण सिंह कंचवा कहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त अभियान से बेट द्वारका में रहने वाले असामाजिक तत्वों का दुस्साहस कम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बेट द्वारका में आतंकवादियों को शरण मिलती रही है, इसके साथ ही वहां से नशीले पदार्थों का कारोबार होता है। सरकार की इस कार्रवाई से यह द्वीप सुरक्षित होगा। बेट द्वारका के धार्मिक सामरिक महत्व को देखते हुए गुजरात सरकार ओखा से बेट द्वारका तक आने जाने के लिए समुद्र के ऊपर लगभग 4 किलोमीटर लंबा पुल बनवा रही है। हालांकि स्थानीय मुसलमान इस पुल के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। प्रवीण सिंह कचवा कहते हैं कि पुल के बनने से बेट द्वारका तक बाहर के लोग भी आसानी से आ जा सकेंगे। इससे इस द्वीप तक दैनिक उपयोग की वस्तुएं आसानी से पहुंच पाएंगी, साथ ही यहां पहुंचने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। शायद इसी डर से मुसलमान इस पुल का विरोध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बेट द्वारका में इस समय लगभग 10,000 मुसलमान और लगभग 1,200 हिंदू रहते हैं। यही कारण है कि इस द्वीप पर मुसलमान अपना दावा जताने लगे हैं। 2021 में तो एक अजीब घटना सामने आई थी। गुजरात वक्फ बोर्ड ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक अर्जी लगाकर कहा कि बेट द्वारका के कुछ हिस्से वक्फ बोर्ड के हैं। उस समय उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड से कहा था कि श्री कृष्ण की नगरी वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है। इसके बाद न्यायालय ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था, यानी बेट द्वारका में भी वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीन कब्जाने का प्रयास चल रहा है। लोगों को पूरी उम्मीद है कि वहां अवैध मजारों और मस्जिदों को तोड़ने से वक्फ बोर्ड की मनमानी बंद होगी और हिंदुओं का यह श्रद्धा केंद्र सुरक्षित होगा। आपसे अनुरोध है कि देश में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर सहायता राशि देकर हमें और हमारे चैनल को सशक्त बनाएं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।